आज मैं शाकाहारी लोगों के लिए कुछ सब्जियां या फिर कुछ अलग तरीके की कटलेट का रेसिपी लाई हूँ। आलू कटलेट या फिर पॉपी सीड्स आलू के कॉम्बिनेशन का कटलेट बहुत ही अमेजिंग होता है। बिना किसी झंझट के 5 मिनट में ये तैयार हो जाता है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए हमें 50 ग्राम खसखस लेना होगा। 2 उबले हुए आलू लेंगे। आलू को अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। उसमें डालेंगे 1 छोटा बारीक कटा हुआ प्याज, 1 हरी मिर्च बारीक काट लेंगे। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची को स्किप करें। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, साथ ही भुना हुआ जीरा का पाउडर, चाट मसाला और काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। पॉपी सीड्स डालेंगे। आप चाहे तो सूखा ही मिक्सी के जार में एक बार पीस सकते हैं और नहीं तो साबुत ही डाल सकते हैं, जैसा कि मैं डाल रही हूँ। अब सबको मिक्स करेंगे, उसके छोटे छोटे पार्ट करेंगे और हाथों से गोल गोल टिक्की का शेप दे दे और उसे गरम तेल में फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ किया है। आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं आप उस तेल का यूज़ कर सकते हैं। अभी पहले से ही पैन में तेल डाला हुआ है और उसे अच्छी तरीके से गर्म हो जाने के बाद उसमें टिक्कियों को शैलो फ्राई करेंगे। जब दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए, तब उसे बाहर निकाल लेंगे। अब एक सर्विंग बाउल में टिक्कियों को निकाल लेंगे और धनिया पुदीने की चटनी के साथ या फिर पीनट बटर के साथ गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप चाहे तो इसे सालसा के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और आपको ये इजी रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर ना पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। बढ़िया बढ़िया से कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप लोगों ने ये रेसिपी खाई है, कहाँ खाई है और कैसी लगी।